क्योंकि प्रतियोगिता एक मानसिक द्वंद्व है और प्रतियोगिता का उद्देश्य ही है इन दोनों की मानसिक शक्ति की सही पहचान करना। तो महाराज इसका अर्थ ये हुआ कि प्रतियोगी उसी पहेली में विजयी घोषित किया जाएगा जिसका हल वो अपनी बुद्धि से करेगा, ना कि किसी संजोग से। अब देखिए, पंडित रामाकृष्णा ने जिस पहेली को हल किया है, हो सकता है कि उन्हें उसका उत्तर ज्ञात ना हो, मात्र संजोग से द्वार खुल गया हो। क्योंकि दरबान ने जो द्वार दिखाया वो तो पंडित रामाकृष्णा ने खोला ही नहीं। जरूर हम आपके तर्क से सहमत हैं। गुरुवर, ये वाला द्वार खोलना ही नहीं था, क्योंकि ये नरक वाला द्वार है। बीरबल महोदय, आप क्या मानते हैं? जी महाराज, मैं समझ गया पंडित रामा जी ने दरबान के बताए हुए द्वार को ना खोल के दूसरा द्वार क्यों खोला। अद्भुत बीरबल महोदय, हम चाहते हैं कि आप समस्त दरबार को यह बात समझाएं, जिससे संयोग का कोई संदेह ना रहे। महाराज, प्रश्न एक था और उत्तर देने वाले दो, एक सच बोलने वाला और एक झूठ बोलने वाला। यदि पंडित रामा जी जिस किसी भी दरबान के पास गए, समझिए कि वो झूठ बोलने वाला दरबान था, और उनसे उन्होंने ये पूछा कि यदि मैं सामने वाले दरबान से पूछूं कि स्वर्ग का द्वार कौन सा है, तो वो किस ओर संकेत करेंगे। क्योंकि इनकी प्रकृति में ही झूठ बोलना है, तो ये झूठ ही बोलेंगे और नरक द्वार की ओर संकेत करेंगे। अब समझे, यदि पंडित रामा जी सत्य बोलने वाले दरबान के पास गए और उन्होंने उनसे भी यही प्रश्न पूछा कि यदि मैं सामने वाले दरबान से पूछूं कि स्वर्ग का द्वार कौन सा है, तो वो किस ओर संकेत करेंगे। क्योंकि ये सत्य बोलते हैं, तो वो सत्य ही बोलते और नरक द्वार की ओर संकेत करते। अब पंडित रामा जी का चतुराई भरा प्रश्न ही इस प्रकार था कि दोनों स्थिति में संकेत नरक द्वार की ओर ही होता, इसलिए पंडित रामा जी ने दरबान के बताए हुए द्वार को ना खोलकर दूसरा द्वार खोला। महाराज, मुझे भी उसका उत्तर तभी समझ आया जब पंडित रामा जी ने यह प्रश्न पूछा, तो बिना किसी संदेह के ये जीत पंडित रामा जी की हुई है। अद्भुत। पंडित रामकृष्णा, आपने पुनः एक बार यह स्थापित कर दिया कि आपकी सोच सक्षम भी है और दूरदर्शित भी। और बीरबल महोदय, आपने जिस प्रकार अभी हल का वर्णन किया, हमें लगा कि आप हल के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, परंतु पंडित रामकृष्णा पहले बाजी मार गए। तो इस प्रकार
इस पड़ाव के विजेता है पंडित रामकृष्णा। अब तक 3 पड़ाव पूर्ण हो चुके हैं, जिनमें से 2 पड़ाव पंडित रामकृष्णा जीत चुके हैं और 1 जीत बीरबल महोदय ने अपने नाम कर ली है। बीरबल बीरबल कुछ करो, हम 2-1 से पीछे हैं। राजगुरु जी पीछे अवश्य हो गए परंतु हारे नहीं, और पंडित रामकृष्ण जी के साथ खेलने में हमें बहुत आनंद आ रहा है। रसिया किसी है? हमारे पूजनीय सप्त दिग्गजों द्वारा दोनों प्रतिद्वंदियों के लिए 4थी चुनौती आ चुकी है, इसे पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। समय बीतता है, समय हमारे हाथों में नहीं, किसी के पास भी उतना ही समय है जितना सबके पास होता है। अतः दिन के 8 प्रहर बस उसका उपयोग हर कोई अलग अलग करता है। इस 4थी चुनौती का आधार समय है। आपके समक्ष 2 रस्सियां पड़ी और ये दोनों रस्सियां समय की सूचक है। इस चुनौती में दोनों प्रतियोगियों को समय को बांधने की अपनी कला का प्रदर्शन करना होगा। महाराज परंतु समय को कोई किस प्रकार से बांध सकता? महामंत्री जी थोड़ा धैर्य रखें और देखिए जीतने वाला ये कैसे संभव कर देता है। इन दोनों में से प्रत्येक रस्सी को जलने में 1 पहर लगता है और दोनों को जलाने में 2 पहर। अब आपकी चुनौती यह है कि आप इन दोनों रस्सियों को 1.5 पहर में कैसे जलाते हैं? 1.5 पहर में जला देंगे। 1.5 पहर में कैसे जलेगी? महाराज आपके दिए गए कार्य को संपन्न करने की अनुमति चाहता हूं। अवश्य पंडित रामकृष्ण आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं महाराज मुझे कोई आपत्ति नहीं। आइए बीरबल महोदय। महामंत्री जी मुझे एक ऐसा दीपक चाहिए जिसकी ज्योति की लौ इतनी शक्तिशाली हो कि ये रस्सियां जला सके। अरे जला क्यों रहे आप? महाराज मैंने दोनों रस्सियां जला दी। महाराज जिस रस्सी को दोनों छोर से जलाया था वो पूरी जल चुकी है। इसका मतलब कि आधा पैर हो चुका है, और जिस रस्सी को एक छोर से जलाया था वो सिर्फ आधी जली। ये बात तो सही है, इसी हम पुष्टि करते हैं। महाराज
अब इस आधी जली रस्सी को हम दूसरे छोर से भी जला देते हैं और इसे पूरी तरह जलने में एक चौथाई पैर लगे। महाराज इस तरह आधा पैर और एक चौथाई पैर हुआ पौना पैर। दोनों रस्सियां पौने ही पैर में जल गई, अतः कार्य संपन्न हुआ। तक हम चार पड़ाव पार कर चुके हैं और इन चार पड़ाव में पंडित रामकृष्ण और बीरबल महोदय दो दो जीत अपने नाम दर्ज करके बराबरी पर आ पहुंचे। आप दोनों ने अपनी कुशलता का जो प्रदर्शन किया है अद्भुत, बराबर की टक्कर दी है आप दोनों ने। अब समय आ गया है पांचवें पड़ाव की ओर जाने का। इस पांचवें पड़ाव में छह प्रश्न दिए गए हैं सप्त दिग्गजों द्वारा और उन्हीं के अनुसार इन छह प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है। छह प्रश्न का एक ही उत्तर? हम दोहराते हैं, पांचवें पड़ाव में छह प्रश्न हैं और छह प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है। जो सही उत्तर देगा वो विजेता होगा। प्रश्नों का एक ही उत्तर होना असंभव ही नहीं, असंभव से भी असंभव कार्य है। राजगुरु जी, बिना प्रश्न जाने ये कैसे ज्ञात होगा? ये भी है। सप्त दिग्गजों का ये भी कहना है कि ये पांचवा पड़ाव किसी भी ज्ञान से अधिक तत्व ज्ञान से संबंधित है। यदि आप तैयार है तो हम सूची पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वो क्या है जो ईश्वर से बड़ा है? वो क्या है जो शैतान से बुरा है? वो क्या है जो गरीबों के पास है? वो क्या है जो धनवान चाहते हैं? वो क्या है जिसे ग्रहण करने से मृत्यु हो सकती है? वो क्या है जो मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ आता है? महाराज ने कहा कि ये तत्व ज्ञान से संबंधित है, परंतु हमें ये तो तत्व दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्या हो सकता है? जब कोई प्रश्न आरंभ होता है तो उसका अंत होता है उत्तर। इन छह प्रश्नों का क्या अंत है? पता नहीं क्या है। पता नहीं ये कैसी वस्तु है जो है भी और नहीं भी। पंडित रामकृष्णा तो बीरबल को ऐसे देख रहा है जैसे बीरबल के चेहरे पर उत्तर लिखा हो। जो भी प्रतियोगी चाहे अपने उत्तर से अवगत करा सकता है, यदि वो उत्तर तक पहुंच गया हो तो। महाराज यदि आज्ञा हो तो मैं उत्तर देना चाहता हूं। अवश्य। बीरबल अकारण शीघ्रता मत दिखाओ, समय लो फिर उत्तर दो। उत्तर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता राजगुरु जी। तो बीरबल महोदय क्या है आपका उत्तर, अर्थात क्या है वो वस्तु? कुछ नहीं। कुछ नहीं, ये कैसा उत्तर है बीरबल महोदय? वैसा ही जैसे सप्त दिग्गजों का प्रश्न है। विस्तार से समझाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं महाराज।
कि एक एक करके प्रश्न दोहराकर मेरा सहयोग करें। ये क्या सहायता मांग ली, महाराज को काम पर लगा दिया। अवश्य, वो क्या है जो ईश्वर से बड़ा है? कुछ नहीं, ईश्वर से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। वो क्या है जो शैतान से बुरा है? कुछ नहीं, शैतान से बुरा क्या हो सकता है। वो क्या है जो गरीबों के पास है? कुछ नहीं, गरीब है इसलिए उनके पास कुछ नहीं है। वो क्या है जो धनवान चाहते हैं? कुछ नहीं, धनवान क्या चाहेंगे। वो क्या है जिसे ग्रहण करने से मृत्यु हो सकती है? कुछ नहीं, यदि आप कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे तो आपकी मृत्यु ही हो जाएगी। और वो क्या है जो मृत होने के पश्चात भी हमारे साथ ही जाता है? कुछ नहीं, हमें जन्म के बाद सब कुछ इसी लोक में मिलता है महाराज, और मृत्यु के बाद उसे यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। तो इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, कुछ नहीं। और ये सभी ज्ञान के नहीं अपितु तत्व ज्ञान के प्रश्न। अद्भुत बीरबल महोदय, इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर था जो आपने दिया, कुछ नहीं। अद्भुत। पांच पड़ाव पूर्ण हो चुके हैं और इन पांच पड़ाव में बीरबल महोदय ने 3-2 से बढ़त हासिल कर ली है। छठे पड़ाव की ओर। यदि गत पड़ाव तर्क ज्ञान पर आधारित था तो ये पड़ाव पारिवारिकता पर आधारित है। कहा जाता है किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके परिवार से बनती है। कहा यह भी जाता है कि जो परिवार एक साथ पूजा पाठ करता है, एक साथ भोजन करता है, एक साथ अपने सुख दुख बांटता है, वह सदैव एक साथ ही रहता है। तो ऐसे ही एक आदर्श परिवार के लिए एक भोज का आयोजन होता है और इस भोज में परिवार के सभी सदस्य उपस्थित हैं। ये केवल इस चुनौती की भूमिका बांधी है हमने। अब प्रश्न की बारी। एक आदर्श परिवार में जिसमें एक सामूहिक भोजन का आयोजन हुआ है, उसमें एक दादा है, एक दादी है, दो पिता हैं, दो माँ हैं, चार संतान हैं, 3 पोते भी हैं, 2 बेटे हैं, 2 पुत्रियां हैं, और हाँ एक सास और एक ससुर भी है, और याद रखिएगा पुत्र वधु भी है, और घर में मात्र एक चौकी, और कुल मिलाकर केवल 7 ही आसन है। अब कठिनाई यह है कि इस पूरे परिवार को एक साथ बैठकर इस भोज का आनंद ग्रहण करना है। ना कोई खड़ा रहेगा, ना कोई चौकी पे बैठेगा, ना कोई एक दूसरे पर बैठेगा, ना किसी गोद में बैठेगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। इतना बड़ा परिवार, एक चौकी और केवल 7 आसन, भोज कैसे होगा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.